जनता नाम से हमें लायक भेल भाई जनता समाजवादी पार्टी थोराम सद्भावना कधी कधी बहुत लोग रहे तो आज बहुत ही खुशी के दिन बा ये खुशी के दिन में हमने के ता अब कधी को आ जाओ घर घर दीपावली करे के चाहे कि आज हमने का सारा पार्टी के लोग एक बाड़ी सारा मदेशी दल एक बाड़ी ऐसे और खुशी के दिन और क्या हो सकल दूसर बात बा हमरे नेता लोग पर अदालत में फैसला भेल बा कुछ लोग के जेलो भेल बा कुछ लोग के आर्थिक भेल बा हम पूछे के चाहे हमें सरकार से एक कांग्रेसिया एक कमाऊनी सरकार से पूछे के चाहे हम 46 साल के आंदोलन में उतना क्षति भेल कौन के जेल भेल बा जन आंदोलन भेल ओ बहुतों के माफी मिल गेल 62-63 के लोकतांत्रिक आंदोलन भेल गवर्नमेंट के लाखों अरबों क्षति भेल एक एक आदमी के जेल न लेके भेल ओकरा बाद मधेशो आंदोलन भेल ऐतिहासिक क्रांतिकारी मधेश आंदोलन भेल ओहो में ना कुके उके भेल लेकिन आज के ये दूसरा तीसरा मधेश आंदोलन में ये सब कम्युनिस्ट के ओलियन सब ओली सरकार के मतियार सब आज हमारा नेता पर जेल नेला आर्थिक जुर्माना लगौले बा एकरा के हम के डट के मुकाबला करे के बा खाली आर्थिक रूप से ना एकर भंडा फोर करे के बा जे पहाड़ी से आंदोलन कर ले तो में कौन कोना कुछ होले लाखों लाख छति होले इहे 46 साल के आंदोलन में हमनी का काठमांडू में रही पुलिस के मार के आंदोलनकारी से ठेला में पूरा काठमांडू भर घुमावल कहां कोनो कोनो सजा आई पुलिस के ठेला में मार के घुमावल रहे पूरा काठमांडू में आंदोलनकारी से कहां कोनो के कोनो सजा आई लेकिन कितना भेदभाव बा कंचनपुर में कंचनपुर के कैलाली में थरुहट आंदोलन भेल ओ में आज थारू के जनता से निर्वाचित नेता जनता से जीतल अत्यधिक देश में उतना बहुमत से कोनो नहीं जीतल रेशम चौधरी आज जेल के काल कोठरी में बंद बा पहाड़ी सत्ता जब तक ले पहाड़ी सत्ता के चकना चूर नकल जाए हमने का तब तक ले हमने के मुक्ति संभव नहीं है आइए हमने को मुक्ति में बाधा कौन बा कांग्रेसिया कम्युनिस्ट घरे ही के चोरवा कहले बा अनोरावा अजोरावा पहाड़ी सबसे मिल के हम ये के भोटवा फाड़ के पहाड़ी के जिता देवे तो कहाँ से हमने के कुछ मिले सबसे पहले वही से हमने के सारा मदेशी एक हो के बा एक हो के सशक्त रूप से क्रांतिकारी आंदोलन करे के बा अपन अधिकार ला अपन स्वाभिमान ला दूसर बात बहुत बहुत लोग बकता बा एक बार लास्ट बात रहे के चाहम ये जिला में दूसरा अभी वोट के दूसर बा अब ये लोग नेता लोग टिकट बांट रहा बा तू हाई टिकट ले लो तू प्रतिनिधि सभा के ले ला तू मुखिया के ले ला आ तू हाई वार्ड के ले ला यही देखे के घर में छपाई छो के नेपाल के प्रेस ओकरे घर में आके बैठ गेल बा अपन टिकट के ठिकाने नहीं थे पहले को राजपाल ए तब नौटंकी बहुत करे लो अब जसपा हो गेल बा तू नौटंकियों वाला के टिकट मिले कि ना मिले कोनो गारंटी नहीं थे तो नौटंकी बंद करा भी यही मत से कह जा वो नाटककार के जो नौटंकी रत रहल बा टिकट के ए नाटककार सावधान हो जो अभी तुम अभी सावधान हो जा उसी मत से टिकट बांटने का काम नहीं टिकट किसी के बाप के घर पे नहीं बनता टिकट भाजपा पार्टी को ऑफिस बनेगा उपेंद्र यादव टिकट देगा बाबूराम भट्टराय टिकट देगा टिकट किसी के बाप के घर पे नहीं बनेगा इतने कहते हम अपन मंत्र पे बंद करा जय मधेश।